ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਧੰਮਪਦ ਗਾਥਾ ਕਥਾ ਨੰਬਰ 50। सावित्री में एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। क्योंकि उस समय बहुत सारे मत चलते थे, बहुत सारे जो लोग थे वो अपना अध्ययन करते थे और जगह 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 उन्होंने विहार बनाए हुए थे और वहां पर वो लोगों को सिखाते थे, लोग उनके अनुयायी भी थे। तो वो जो महिला थी वो किसी और की अनुयायी थी और उसकी जो शिक्षा थी उसका पालन करती थी, सीखती थी। फिर उसने धीरे धीरे चर्चा सुनी कि जो बुद्ध हैं वो बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं, उनकी शिक्षा से घर में सुख शांति आ जाती है और उनकी शिक्षा जो सिखा है जो सिखाते हैं वो पूरी की पूरी तरह से संपूर्ण है, सम्मा सम है, यानी सम्यक सम बोले या सम्मा सम है। तो उसकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ी क्योंकि जो लोग सीखते रहते हैं उनकी एक जिज्ञासा होती है कि वो रुकते नहीं है, उन्हें जहां भी अच्छा मिलता है वहां वो जरूर जाते हैं, चाहे वो भले कहीं है। और जो लोग सीखते नहीं है, सीखने का नाटक करते हैं, वो किसी एक शिक्षा के अंदर सिर्फ उसको देखते हैं जो उनके माता पिता ने बताई या जो उन्होंने कहीं पढ़ी या जो उन्होंने कहीं देखी या जो उनको आदेशित की जाती है कि तुम्हें सिर्फ यही शिक्षा सीखनी है और शिक्षा की तरफ देखना भी नहीं है। मनुष्य का जिज्ञासा का स्वभाव होता है और यही उसको मनुष्य बना के रखता है। बाकी जो प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, उनका जिज्ञासा का स्वभाव ज्ञान के प्रति नहीं होता, ये बड़ा बेसिक अंतर है। इसलिए जो मनुष्य होता है वो लगातार ज्ञान की खोज में रहता है। जिज्ञासा होने से और जानकारी होने से ही वो देश और वो लोग बहुत ज्यादा आगे हैं जो जानकारी लगातार लगातार खोजते रहते हैं और पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। वो आज भी पूरी दुनिया पे राज करते हैं, चाहे भले ही वो डायरेक्ट राज ना करते हों, उनकी कंपनियां और उनकी एजुकेशन आज भी दुनिया पे राज करती है। तो उस महिला में बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी कि उस शिक्षा देखे कि क्या शिक्षा बुद्ध की है। उसने बुद्ध को अपने यहाँ धम्म ज्ञान के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध वहां धम्म चर्चा के लिए आए। धम्म चर्चा से पहले जैसा था 12 बजे से पहले या धूप से पहले खाने का होता है, पूरा भिक्खु संघ ने वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद उस खाने के फल स्वरूप यानी जो खाना खाया है उसकी कीमत अदा करनी है और वहां उस परिवार के और सारे लोगों को धम्म देशना देनी है, धम्म सिखाना है, उनके प्रश्नों के आंसर देने हैं। वहां उन्होंने अपना खाना खाने के बाद उसको पुण्य मोदन बोलते हैं। पुण्य का मोदन है कि जो आपने खाना खिलाया उसका अनुमोदन करना है, उसको वापस करना है। तो वो धम्म जब सिखाने लगे, महिला को वो धम्म बहुत अच्छा लगा और वो महिला बड़े चेहरे से शांत हुई और बड़ी खुश होने लगी। ये देखकर उसका जो पति था, क्योंकि उसका ध्यान देशना में नहीं था, उसका ध्यान इस बात में था कि मैं किसी और का चेला हूं, मैं किसी और पंथ का मानने वाला हूं, मैं किसी और शिक्षा को जानता हूं, उसी की प्रैक्टिस करता हूं, मेरे गुरु ने कहा है कि यही शिक्षा सबसे बेहतर है, मेरे गुरु ने कहा है कि कोई और शिक्षा को सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, जिक्र भी नहीं करना है, इसी में मरना है, इसी में जीना है, ये औरत मेरी पत्नी होते हुए मेरी बात नहीं माननी। वो वहां उस औरत की बहुत बेइज्जती करता है, अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है बिना कारण और बिना बात के। ऐसा होने पर वो महिला पूरे भिक्खु संघ और भगवान बुद्ध और बाकी जो लोग हैं उनके सामने बड़ी लज्जित और बेइज्जत महसूस करती है, बड़ी मायूस हो जाती है, बड़ी अवसाद में जाती है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है काटो तो खून नहीं। भगवान बुद्ध तो मनोचिकित्सक रहे हैं दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े, आज तक उनके मुकाबले का कोई मनोचिकित्सक है ही नहीं, वो बेसिकली जितने भी है माइंड के साइंटिस्ट रहे हैं क्योंकि माइंड को तो पूरी तरह से जानते हैं। उन्होंने उसको पारगामी रहे, पारगामी का मतलब है कि मन की स्थिति में आर पार देख लेते हैं। उन्होंने महिला की पूरी स्थिति जानी और देखी, तब ये गाथा उस महिला के लिए वहां कही जो इस प्रकार है। ने परेसंग विलोमानी ने परेसंग कता कतं अत्नो वे अविखे कतानी ए कतानी चे ने परेसंग विलो मानी। ने माने नहीं, परेसंग माने होता है, जैसे कहते हैं कि ये परे का आदमी है या ये परदेसी भी बोलते हैं या ये पराया है, इसका मतलब दूसरा या अन्य है। और परेसंग का मतलब है दूसरों का, यानी दूसरों का।
और विलोमानी, विलोमानी का मतलब है प्रतिकूलताओं, यानी कि जो विरोध है, जो विलोम स्थिति है प्रतिकूलताओं, यानी दूसरों की जो प्रतिकूलता है, यानी जो विरोधी उनका स्वभाव है या जो विरोधी बातें हैं वो। न परेसंग कता कतंग, न माने नहीं, परेसंग माने वही जो परेशानी, जो परे यानी कि दूसरों का जो होता है। कता कतंग का मतलब होता है कता और एकत, कता एकतंग, कता और एकत। कता माने होता है कृत, किया हुआ, और एकत माने होता है जो नहीं किया हुआ है। यानी कि जो विरोधी विपरीत स्थिति है उसमें दूसरों की, और जो किसी ने किया या नहीं किया जो दूसरों का है। अत्नोब वे अविखे, अत्नोब का मतलब है खुद को, स्वयं को, यानी खुद को, स्वयं को, या खुद का, स्वयं का। वे माने जैसा या ही। अविखे, अविखे का मतलब होता है, आपने देखा होगा पंजाबी के अंदर, पंजाब के अंदर कहते हैं वेखले, वेखले, वेखले का मतलब है देख ले, या वेख्या, वेख्या के मतलब देख लिया। तो यहां यही है वेखना, यानी कि अवलोकन करना। वेखना माने अवलोकन करना, देखना। ये पाली का शब्द, क्योंकि पूरी पंजाबी पाली से बनी हुई है, सारी भाषाएं अलग अलग बनी हुई हैं, इसलिए वेखना, वेख्या, या वेखले, या व्याख्या, यानी कि जो व्याख्या शब्द है, वेखले शब्द है, जो वेख्य शब्द है, वो सारा का सारा पाली से बना हुआ है, वेख्य से। अवलोकन करना यानी कि खुद का अवलोकन करे। कतानी ए कतानी चे, कतानी का मतलब किया हुआ, ए कतानी का मतलब नहीं किया हुआ। और तो इसका सिंपल सा जो आंसर है, यानी सिंपल सा जो इसका व्याख्या है, इसकी पूरी पूरी गाथा की हिंदी में, वो इस प्रकार है कि जो दूसरों की ने किया, जो विरोधाभासी या जो विपरीत चीज दूसरों ने कही है, चाहे वो करी गई है या नहीं की गई है, जो उन्होंने किया वो या जो नहीं किया वो, उसमें आपको व्याख्या नहीं करनी है, उसका अवलोकन नहीं करना है, उसमें नहीं जाना है। आपने जो किया है, जो आपने किया है, उसके अंदर आपने देखना है कि वो कैसे किया, क्या किया। कि और भी सरल शब्दों में भगवान ने वहां जो इसको बताया, वो और भी सरल शब्दों में इस प्रकार है। दूसरों की प्रतिकूलताओं पर, दूसरों के कृत अकृत पर न देखें, और अपने ही कृत अकृत का अवलोकन करें। यानी उस महिला के लिए है, वो ये कहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, एक तो यहां ये बात समझे कि दूसरों का मतलब है चाहे वो पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे संतान है, चाहे बहन है या भाई है, सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं। उन्होंने जो किया है, उनका व्यवहार जो भी है, उसका जो परिणाम आएगा, उस कर्म का परिणाम आएगा, वो लोग भुगतेंगे जो करेंगे, और जो आपने किया है उसे आप भुगतेंगे। यानी कि जो कम आप अच्छा करेंगे, जो कार्य आप अच्छा करेंगे, उसका लाभ हानि आपको होगा, और जो आपके माता पिता, पति, बहन, भाई, रिश्तेदार जो करेंगे, वो उनके लिए होगा। तो वो वहां समझा रहे हैं कि अगर आपके पति ने आपको दुर्व्यवहार किया, या आपकी बेइज्जती की, या आपको कटु शब्द बोले या कठोर शब्द बोले, तो उन्होंने ये कर्म किया है, और इस कर्म का फल उन्हें ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा, इसलिए आप अपना अवलोकन करें, अपनी व्याख्या करें, अपने आप को देखें, दूसरों को ना देखें। ये धम्म में बहुत स्पष्ट बात है, और धम्म की सबसे बढ़िया बात है कि पिता और पुत्र में बेशक कितना भी प्यार हो, अगर पुत्र अच्छे काम करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा, तुरंत मिलेगा, और पिता बेशक कितना आदर्शवादी है, अगर वो खराब काम करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। पिता पुत्र का प्रेम संबंध हो सकता है, एक दूसरे को पैदा करना हो सकता है, पिता का या पुत्री का, या माता का या पुत्र का, या माता का पुत्री का हो सकता है कि उन्होंने पैदा किया है, मगर कर्म का सिद्धांत ये कहता है, बुद्ध ये बताते हैं कि जो जैसे कर्म करेगा उसका फल उसको वैसा ही मिलेगा, उस फल का असर दूसरे पर नहीं होगा। ये धम्म की सबसे ऊंची बात और सबसे ऊंची गहराई है, क्योंकि धम्म कर्म प्रधान है, यानी जो जैसे कर्म करेगा, कम करेगा, उसका वैसा ही फल उसको मिलेगा, चाहे वो प्राणी है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो औरत है, चाहे आदमी है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो कहीं रहता है, चाहे भूखा है, नंगा है, अमीर है, जैसे कर्म करेगा उसका फल वैसा ही मिलेगा। एक व्यक्ति का किया हुआ फल दूसरे पर लागू नहीं होता। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है,
और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।